अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज मैंने ये DIY हेयर मास्क बनाया है फॉर ड्राई डैमेज फ्रिजी हेयर्स के लिए। आप इसे कलर्ड हेयर्स पे भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ ये मास्क आपके बालों को जो है स्मूथ, मैनेजेबल और शाइनी बनाएगा, उनमें ग्लो और नेचुरल हेल्दी लुक लेकर आएगा। तो अब अगर आपको मेरा ये मास्क, मेरी ये वीडियो पसंद आए, आप इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मेरी वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अगर बताइएगा अगर आपको ये मास्क कैसा लगा, अगर आप इसको यूज़ करते हैं। और छोड़ने से पहले आप मेरी वीडियो देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और उसके साथ ही एक बेल बटन का आइकॉन है उसको प्रेस कर दीजिए, बिकॉज़ जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस मास्क को बॉयज़ और गर्ल्स सब यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ आजकल जैसा आजकल के मौसम और आबो हवा और पानी की वजह से सबके बाल जो है काफ़ी ड्राई और डैमेज हो जाते हैं वक्त के साथ साथ। तो आप इसको ऐसे होम रेमेडीज़ जो है अप्लाई करते रहा करें, तो इससे हमारे बाल जो है नेचुरल ग्लो में रहेंगे। और इसको मैं यूज़ बनाने का तरीका भी बताऊँगी, देन फिर इसको यूज़ करने का भी, कि आपने इसको हफ्ते में एटलीस्ट कितनी बार यूज़ करना है, मैक्सिमम आप फिर कितना गैप दे सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। सबसे पहले हमें चाहिए इसके लिए दही, बनाना, शहद, आप कोई भी शहद यूज़ कर सकते हैं, देन कोकोनट ऑयल, देन हमें चाहिए ऑलिव ऑयल, और फिर हमें चाहिए मायोनीज़ की बजाय आप एग भी यूज़ कर सकते हो, बट बिकॉज एग से स्मेल आती है तो कुछ लोगों को वो पसंद नहीं, मुझे भी ये नहीं पसंद, तो मैं इसकी जगह मायोनीज़ ही लगाती हूँ। बनाना को जो है हम दही डालकर इसको ब्लेंडर की मदद से ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इसके एप्लीकेशन में मैसअप जो होता है बहुत ज़्यादा, इसको अगर हम फोक से कांटे से जो मैश करते हैं तो उसमें बालों में बहुत ज़्यादा मैसअप रह जाता है तो इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे तो इसका एप्लीकेशन जो है बहुत स्मूथ हो जाएगा और हमारे लिए ईजी भी हो जाएगा। देन हम इसमें ऐड करेंगे 1 टी स्पून शहद ऐड करेंगे, देन हम इसमें कोकोनट ऑयल के 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे, देन और इसमें ऑलिव ऑयल भी हम 1 चम्मच ही ऐड करेंगे। आप सब क्वांटिटीज़ की मिकदार जो है अपने हेयर ग्रोथ, हेयर लेंथ की के मुताबिक आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देन हम इसमें ऐड करेंगे मायोनीज़ का एक से दो चम्मच। मायोनीज़ जो कि अंडे से ही बनती है तो इसको यूज़ करने में इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और ये हेयर मास्क जो है हमारे बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बिकॉज़ ये हम सब तमाम नेचुरल चीज़ों से बना रहे हैं, इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसको ऐसे ही डायरेक्ट कॉटन की मदद से अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं या जैसे भी आपको इजी लगे, लेकिन यहाँ पे मैं एक ट्रिक आपको बताने जा रही हूँ जो कि मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, बिकॉज़ इसको अप्लाई करते वक्त बहुत ज़्यादा मैसअप होता है। तो आपके पास अगर आपने बालों को कभी ड्राई किया हो तो ऐसी बोतल आपके पास हो, या कोई भी आप एम्पटी बोतल यूज़ कर सकते हो, उसमें आप अपना ये सारा मिक्सचर जो है फिल कर लो, देन इसके एप्लीकेशन जो है आपका अपने लिए अगर आपने ख़ुद को अप्लाई करना है तो बहुत ईजी हो जाएगी, बिकॉज़ खुद ही को अप्लाई करते हुए ज़्यादा मैसअप होता है, दूसरों को तो बंदा इजीली अप्लाई कर लेता है। देन आप इसको अच्छे से शेक कर लो ताकि सब इंग्रेडिएंट्स जो हैं आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ अपने बेबीज़ पर, देन मैं इसको खुद भी अप्लाई करूँगी। आप ये मास्क जो है एटलीस्ट हफ्ते में जो है 2 दफ़ा यूज़ कीजिए स्टार्टिंग में, देन आप 1 दफ़ा भी कर सकते हैं, देन आहिस्ता आहिस्ता आप 15 दिनों के बाद भी, 15 दिन का गैप भी दे सकते हैं, यानी 15 डेज में 1 टाइम आप यूज़ करें, आपको इससे इंशाल्लाह रिजल्ट जो हैं वाजिया मिलेंगे। आप इसको, इस मास्क को अपने अपने ब्रदर्स, सिस्टर्स और मामा पापा पे भी इस यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने बच्चों और हस्बैंड को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसको बनाइएगा और यूज़ करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये मास्क। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप इसे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।